30,000 अर्निंग चैलेंज का आज है डे 17। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं FTC चैनल फर्स्ट ट्रिप। को लग गई है फील्ड पे, मैं निकल चुका हूँ और फर्स्ट ट्रिप मैंने उठा भी लिया हूँ। कहाँ से कहाँ तक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद निकलते हैं। ज़्यादा बड़ी ऑर्डर नहीं है, छोटी सी ट्रिप है, 180 रुपये की है और यहाँ से अपने को पिकअप करना है और ड्रॉप जो है इसका वो है बैंड्रा। तो गाइस पार्सल ये है, छोटा सा बॉक्स है, पता नहीं इसके अंदर क्या कुछ है भी क्या नहीं पता नहीं। इसको लेके जाना है अपने को बैंड्रा, जो कि अभी ट्रिप हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है। मकवाना बिल्डिंग वाटर फील्ड, वाटर क्वीन फील्ड रोड बैंड्रा 16 किलोमीटर दूर है और 16 किलोमीटर का कंपनी ने अपने को जो है 180 रुपया दिया है। 16 मतलब ये ज़्यादा घुमा के दिखा रहा है, हम लोग ये शॉर्टकट मार के जाने वाले हैं, ठीक है, मतलब 14-15 किलोमीटर हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अभी चलते हैं गाइस, वीफास वीफास नहीं उठाएंगे, छोटे मोटे ऑर्डर है, ज़्यादा किलोमीटर दूर है नहीं बड़ा, तो फटफट निकल जाएंगे हम लोग। सो गाइस बैंड्रा पहुँच गए हम लोग अपना पार्सल लेके, पार्सल हमारे हाथ में ही, फटाफट चलते हैं पार्सल ड्रॉप करते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं बैंड्रा से अपने को कहाँ का ऑर्डर मिलता है। पार्सल देखे फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस पार्सल हम लोगों ने यहाँ ड्रॉप कर दिया है, ट्रिप को करते हैं अभी एंड, पैसा नहीं लेना है, पेड ट्रिप थी, 5 स्टार देके इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं यहाँ से अपने को अभी कौन सा ऑर्डर आता है। सो गाइस टाइम हो गया है, 2 बजने वाला है और 180 रुपये का अपने को एक ऑर्डर आया है जो कि बैंड्रा वेस्ट से ही है और अभी फ़िलहाल मैं बैंड्रा में ही हूँ और इसको लेके जाना है अंधेरी वेस्ट। पिकअप लोकेशन आपको बता देता हूँ, बहुत नज़दीक है, 550 मीटर की दूरी पे और 3 मिनट का रास्ता है गाइस। फटाफट चलते हैं, अपनी गाड़ी को मैंने लगाया था अंदर पार्किंग पे, लेते हैं गाड़ी को और निकलते हैं पिकअप लोकेशन पे। गाइस पार्सल हम लोगों ने उठा लिया है, एक छोटा सा बॉक्स है और एक थैली में भी कुछ खाने पीने का आइटम है। इसको लेके जाना है अपने को धीरज गौरव हाइट्स में, वीरा देसाई अंधेरी वेस्ट में। ट्रिप को स्टार्ट करते हैं और अभी इसको पार्सल को लेके निकलते हैं और इसको मैंने उठाया हूँ बैंड्रा के ये वाले लोकेशन से, ठीक है, और यहाँ पे शायद नेटवर्क भी नहीं है तो ट्रिप भी स्टार्ट नहीं हो रही। पहले मैंने गाड़ी वहाँ लगाया था, वहाँ लगाने के बाद गया था पार्सल लेने, फिर मुझे अंदर टाइम लग रहा था तो फिर मेरी भी फट रही थी कि यार मैं गाड़ी यहाँ लगाया हूँ, कभी भी आएगा टोचन वाला उठा लेगा, ये मेन रोड है, तो मैंने क्या किया गाड़ी को लेके अंदर रख दिया। टेंशन नहीं है अभी भाई, कितने भी देर अंदर खड़ा और फिर हम लोग निकले फिर अभी पार्सल लेके। चलो ये ट्रिप भी स्टार्ट हो गई है, लोकेशन आपको बता देता हूँ, यहाँ से कुछ रहेगा 14-15 किलोमीटर रहेगा। चालू हो भाई, नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला नहीं है, अपने को एड्रेस पता है। चलते हैं अभी फटाफट निकलते हैं, यहाँ पे नेटवर्क नहीं इसके लिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। सो गाइस अभी हम लोग बैंड्रा से निकले पार्सल लेके और बीच में अपने पड़ता है जुहू बीच, सामान अपना इधर ही है और अभी मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ जुहू बीच पे। जैसा कि आप देख रहे हो गाइस मेरे पीछे, मोबाइल का कैमरा घुमा के भी आपको एक बार बता दूंगा जू का नज़ारा, फिर उसके बाद निकलेंगे हम लोग। और गाइस यहाँ पे गाड़ी खड़ाना अलाउड नहीं है, नो पार्किंग है, कभी भी टोचन आएगी तो उठा के लेके चली जाएगी और 750 की फिल्म बन जाएगी तो हम लोग गाड़ी से ज़रा भी दूर नहीं जाएंगे, गाड़ी अपनी इधर ही है, ठीक है। कैमरे को एक बार घुमा के आपको सीनेरियो बता देता हूँ जू बीच का और फिर उसके बाद में निकलते हैं हम लोग वीरा देसाई अंधेरी वेस्ट। सो गाइस ये रहा रमाडा प्लाजा, जू का फेमस होटल और ये रहा हमारा जू बीच। बंदे लोग घूमने फिरने आए अभी और वहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कितनी भीड़ है। चाहिए तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये सब फन करने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए आए और हम यहाँ पे इंजॉयमेंट करने के लिए नहीं आए गाइस, हम लोग आए हैं ऑर्डर देने के लिए। तो बीच में अपने को जू बीच मिला तो मैं बोला थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देता हूँ फिर उसके बाद निकलता हूँ आगे। मस्त हवा चल रही है, एक नंबर, बट अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, गाड़ी लेते हैं निकलते हैं, अपना पार्सल करते हैं ड्रॉप और उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, जो भी रहेगा मैं आपको वहाँ चलने के बाद बताता हूँ। मिलता हूँ डायरेक्ट आपको अभी अंधेरी वेस्ट वीरा देसाई में। तो गाइस अमिताभ बच्चन का जलसा जो बंगला है वहाँ पे सलामी देके हम लोग आगे निकलते हैं और बाउंसर लोग खड़े हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। आई थिंक कौन सी तो एक बड़ी गाड़ी निकल रही है अंदर से, मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं, छोटी सी गाड़ी निकली है, पता नहीं किसकी गाड़ी है, कोई विजिट के लिए आया रहेगा, छोटा मोटा डॉक्टर या फिर कुछ भी,
काम के लिए, तो गेट बंद भी हो गया है। दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ, गेट बंद हो गया है। तो छोटी सी गाड़ी थी, पता नहीं छोटे मोटे कोई रहेंगे मिलने के लिए आए रहेंगे चेकअप विकअप के लिए। तो अभी चलते हैं, जलसा से आगे निकलते हैं, और अमिताभ बच्चन का एक और बंगला भी है आगे, वहाँ पे भी सलामी ठोक के फिर हम लोग निकलेंगे आगे। सो गाइज, अमिताभ जी का पुराना वाला बंगला है ये। इसका जो गेट है वो है ये रहा, ये वॉचमैन लोग खड़े हैं ना, ये अमिताभ का पुराना वाला बंगला है। सो गाइज, अभी अमिताभ जी के पुराने वाले बंगले को भी सलामी ठोक के हम लोग निकलते हैं आगे, अपने ड्रॉप लोकेशन पे, अपने मकसद पे, अपना जो मकसद है उसको पूरा करते हैं, है ना। चलते फटाफट पार्सल को करते हैं गाइज ड्रॉप, और उसके बाद में मैं मिलता हूँ आपसे। सो गाइज, यहाँ पे बाहर गाड़ी पार्किंग के लिए वॉचमैन बोल रहा था मुझे, ये वाला वॉचमैन, बट मैंने बोला नहीं भाई, मैं बाहर नहीं लगाऊंगा, अगर लगाऊंगा तो गाड़ी अंदर लगाऊंगा, नहीं तो फिर तुम्हारी जो भी मैडम है उसको बाहर बुलाओ। तो मैडम से बात हो गई है, मैडम ने बोली कि आप लेके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी गाड़ी हम लोग लगाते हैं वहाँ पे और फिर जाते हैं ऊपर। सो गाइज, अपना जो पार्सल था वो 1401 में हम लोगों ने डिलीवर किया है, और 181 की ट्रिप थी। कस्टमर ने अपने को जो है 200 रुपया पे किया है, मतलब समझ लो 20 रुपया अपने को एक्स्ट्रा दिया है टिप। तो कैश कलेक्टेड करके 5 स्टार देके इसको क्लोज कर देते अभी, और मैं सोच रहा हूँ ऑफलाइन हो जाऊँ, बिकॉज लिफ्ट में जाना है अपने को। कहाँ है लिफ्ट? इधर है, ये वाली लिफ्ट आएगी क्या? हाँ, जो भी है। तो अंदर जाने के बाद में ना गाइस, नेटवर्क की वजह से ना ऑर्डर फिर मिस हो जाएगा, तो नीचे चल के इसको फिर चालू करते हैं। गाइस, 326 का अपने को ऑर्डर आया है, जोगेश्वरी वेस्ट से आया है, और इसको लेके जाना है थाने। पिकअप लोकेशन आपको बता देता हूँ, 326 का ऑर्डर है, और पिकअप लोकेशन है 1.5 किलोमीटर दूर, और 6 मिनट का रास्ता है। जब तक का मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा था गाइज, मैं यही बिल्डिंग में जहाँ पे अपना पार्सल था ड्रॉप करके बैठा था। यहाँ अपने लिए चेयर है और यहाँ पे फ़ैन है, तो मैं बोला फ़ैन का कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए, चेयर का भी कुछ ना फ़ायदा उठाना चाहिए, तो यही सोच के मैं बैठा था। और अब जाके अपने को ऑर्डर आया, तो अभी निकलते हैं हम लोग फटाफट से। गाड़ी भी जो अपनी बाहर खड़ी है वहाँ पे, फिर उसके बाद मैं एक बार सोच रहा हूँ कस्टमर से ही बात कर लूँ, पूछ लूँ सामान क्या है, और उसके बाद निकलते हैं, है ना। हेलो, पोर्टर से बात कर रहा था। हाँ, ये जोगेश्वरी से थाने लेके आना है ना आपका पार्सल, और सामान क्या रहेगा सर? ज़्यादा है क्या? थोड़ा है, कुछ नहीं है ना ज़्यादा। ठीक है ठीक है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। हाँ, स्कूटी है मेरे पास। ठीक है, 20 किलो के अंदर है ना वेट? तो चलो फिर मैं पहुँच जाता हूँ, ठीक है, बाजू में ही हूँ। सो गाइस, कस्टमर से बात हो गई है, कस्टमर को पता नहीं सामान क्या है, लेकिन 10-12 किलो के आसपास में है, कुछ छोटा मोटा बॉक्स बता रहे हैं। तो अभी चलते हैं, अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे खड़ी है पार्किंग में, और वो रहा मेन गेट। जो वॉचमैन ने मुझे बोला था गाड़ी बाहर लगाने के लिए, मैंने बोला नहीं भाई, बाहर नहीं लगाऊंगा मैं, अगर मैं गाड़ी बाहर लगाया तो तुम्हारी जो मैडम है ना उसको नीचे बुलाऊँ, मैं ऊपर ही नहीं जाऊँगा। तो मैडम ने बात की, भाई आने दो यार उसको, तो फिर वॉचमैन ने बोला ठीक है, तो फिर मुझे जो है गाड़ी लगाने की पार्किंग की जगह दिया। चलते अभी गाइस, बहुत हो गई बकचोदी, और अभी निकलने का टाइम हो गया है, थाने का ऑर्डर आ गया है, बहुत कंटाल भी आ रहा है, ऐसा लग रहा मूड भी नहीं हो रहा है ऑर्डर मारने का, लेकिन बड़ा ऑर्डर था करके उठा लिया। तो अभी निकलते हैं फटाफट से, पिकअप करते हैं, देखते हैं सामान क्या है, और फिर उसके बाद निकलते हैं सीधा थाने। सो गाइस, पार्सल हम लोगों ने उठा लिया है, ये कुछ छोटा सा मोटा पार्सल दिखा रहा है, लेकिन वेट इसका मजबूत है, मतलब है 10-12 किलो के ऊपर है। तो ये अपने को थाने लेके जाना है, तो फटाफट से अभी करते हैं ट्रिप को स्टार्ट, और मैं आपको बता देता हूँ अभी थाने यहाँ से कितना दूर है। 29 किलोमीटर दूर है, और 1 घंटे का रास्ता है गाइस। अभी चलते हैं फटाफट, ये रास्ते से बाहर निकलते हैं SV रोड पे, और दूसरी ID भी चालू करते हैं, और देखते हैं अगर अपने को वो साइड का कोई ऑर्डर आता है तो अच्छी बात है, या तो फिर वीफास्ट भी देखेंगे, मिला तो ठीक, नहीं तो फिर यही लेके निकल जाएंगे। वैसे तो मेरा आज ज़्यादा मूड नहीं है कुछ वीडियो बनाने का, और वैसे तो मेरा ज़्यादा कुछ मूड नहीं है आज ऑर्डर वीडर मारने का। चलते हैं अभी, फिर भी बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, दूसरी आईडी में अपने को एक पोर्टर लगाया है 226 का, स्क्रीन पे आपको दिख रहा रहेगा। पार्सल भी मैंने उठा लिया हूँ, इसके अंदर छोटा सा केबल टाइप में है, उसको लेके जाना है अपने को मुलुंड, ये वाला पार्सल जो है मुलुंड देना है, और अपने पास जो दूसरा वाला पार्सल है जो गाड़ी में रखा हुआ है उसको थाने देना है। पहले ये देंगे, फिर उसके बाद थाने निकलेंगे। सो गाइस, ये रहा मुलुंड वाला पार्सल जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा रहेगा, और ये वाला जो है थाने का पार्सल है, तो पहले ये देंगे फिर उसके बाद ये देंगे, फटाफट निकलते हैं अभी, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। सो गाइस, जो मुलुंड वाला पार्सल था ना वो ड्रॉप करने का टाइम आ गया है, फटाफट चलते हैं लिफ्ट में और दूसरे वाले पे जाके पार्सल ड्रॉप करके आते हैं। सो गाइस, मुलुंड वाला पार्सल हम लोगों ने पीछे ड्रॉप कर दिया है,
और अभी अपने पास पोटर का पार्सल है, उसको लेके जाना है थाने। तो थाने यहाँ से है 12 किलोमीटर दूर, आपको स्क्रीन पे मोबाइल की स्क्रीन पे बताता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो आधा घंटे का रास्ता है, 12 किलोमीटर दूर है। अभी चलते हैं फटाफट, ये वाला पार्सल करते हैं ड्रॉप, अपनी गाड़ी ये रही और पार्सल भी ये रहा, ठीक है चलते हैं अभी निकलते हैं। पार्सल हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है और 330 रुपये अपने को मिल गया है। ट्रिप का फेयर था 326 रुपये। ट्रिप को अभी एंड करेंगे 5 स्टार देके और देखते हैं अभी यहाँ से घर का ऑर्डर मिलता है कि नहीं मिलता। तो गाइज अभी मैं जो लोकेशन पे हूँ ना, मतलब थाने के थोड़ा सा और आगे हूँ मैं, गोड़बंदर रोड के साइड में हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा ऑर्डर मिलना मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग रूट पड़ जाता है। तो भी हम लोग यहाँ पे 10 से 15 मिनट यहाँ पे वेट करके अगर ऑर्डर नहीं आया तो हम लोग निकलेंगे वागले स्ट्रीट जो कि थाने लोकेशन पे है, वहाँ से अपने को कन्फर्म वाला ऑर्डर मिल जाएगा। बट फिर भी यहाँ पे 5 से 7-8 मिनट और वेट करके फिर निकलेंगे हम लोग, ठीक है। सो गाइज रिक्शा में बैठे बैठे टाइम भी बहुत हो रहा था और ऑलमोस्ट 6:10 हो गया है और ऑर्डर तो आया था अपने को, लेकिन बोरीवली साइड का आ रहा है, अपने को घर के साइड का ऑर्डर चाहिए। तो अभी क्या करते हैं हम लोग वागले स्ट्रीट चलते हैं, वहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर लेके निकलेंगे। यहाँ से वागले स्ट्रीट जो है ऑलमोस्ट 8 से 9 किलोमीटर दूर है, इस वजह से यहाँ पे ऑर्डर नहीं आ रहा है। वागले स्ट्रीट में बहुत ऑर्डर है। तो गाइज अभी अपने को कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है और मुझे लग भी नहीं रहा है कि मिलने वाला है, बिकॉज टाइम हो गया है 7 बज गया है और मैं अगले स्टेट के वहाँ पे पहुँच भी गया हूँ। बट मुझे एक्चुअली जल्दी आना चाहिए था, बिकॉज मैं आते आते मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया और जितने भी ऑर्डर थे, मतलब जो आने वाले थे, वो सब निकल चुके हैं। तो अभी मतलब नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा देर बैठ के देखेंगे, 10 मिनट 15 मिनट। अगर ऑर्डर आ गया तो अच्छी बात है, अगर ऑर्डर नहीं आया तो निकल जाएंगे। अपने को वीफर्स भी नहीं मिला एक भी, आज पता नहीं क्या हो गया, यहाँ से ऑर्डर ही नहीं है सारे साइड से। नहीं तो यहाँ पे हमेशा मिल जाता है ऑर्डर, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना किलोमीटर मैं खाली जा रहा हूँ। नहीं तो मैं कभी खाली नहीं जाता हूँ, कुछ ना कुछ लेके चले ही जाता हूँ, भले कुछ पोटर नहीं भी मिला ना तो वीफर्स लेके चले जाता हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ लेके चले जाता हूँ। लेकिन आज ऐसा लग रहा है ना खाली जाना पड़ेगा, और आधा रास्ता तो मैं पहुंच भी गया हूँ। जहाँ पे मैंने ड्रॉप लोकेशन था वहाँ से धीरे धीरे मैं थाना क्रॉस करते करते आया और अभी मैं उलुंड साइड में पहुंच भी गया हूँ। देखते अगर कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आज अपना दिन अच्छा नहीं है समझ के घर पर निकल जाएंगे। और अपनी ज़्यादा कुछ खास अर्निंग नहीं हुई है, फिर भी जो भी हुई है मैं एंड ऑफ द डे तक बता दूंगा, समझ रहे हो। तो फटाफट आप लोग दुआ करो कि मुझे एक ना एक ऑर्डर मिल जाए और फिर उसके बाद में मैं ऑर्डर लेके निकलूं यहाँ से, है ना। मैं स्लो जा रहा हूँ, देखते हैं अगर कुछ मिलता है ऑर्डर तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। सो गाइस ऑलमोस्ट 7:08 हो रहा है और वीफर्स तो अपने को कुछ मिल नहीं रहा है, ना पोर्टर मिल रहा है। अभी भी मैं फिलहाल थाने वाले रोड पर ही बैठा हूँ, ठीक है। और अगर मैं सोच रहा था कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ना गाइस मैं 10 मिनट में मैं निकलने वाला हूँ घर पे। देखो एक ऑर्डर आया, अब ये थाने टू थाने, अब क्या करूँ मैं इसका। तो गाइस बैठे बैठे एकदम हालत ख़राब हो गई है, ऑर्डर नहीं आ रहा है, अभी क्या कर सकते हैं, निकलना पड़ेगा अपने को घर के लिए अभी, समझ रहे हो। मतलब अभी ऑर्डर नहीं है तो अभी यहाँ बैठ के मतलब नहीं है, थाने में था फिलहाल मैं, अभी हाईवे पकड़ के सीधा निकलता हूँ पवई से घर पे, फिर वहाँ पे चल के मैं आपको अपनी अर्निंग शो करता हूँ, क्या है क्या है नहीं, क्या कितना क्या कमाया हम लोगों ने और कितना क्या पेट्रोल में खर्चा हुआ, और आज का जो अपना टारगेट था वो अचीव हुआ नहीं हुआ, जो भी रहेगा मैं आपको वहाँ पे चल के आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। और जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं फटाफट जाओ सब्सक्राइब मारो अपने चैनल को जिसका नाम है क्या, FTC चैनल। और हाँ गाइस आई एम खान सलमान इंस्टाग्राम ID है, फॉलो मारेंगे नहीं आप लोगों ने, फटाफट जाओ फॉलो मारो वहाँ पे भी, यहाँ पे दिख रहा है देखो आई एम खान सलमान ID, जाओ फटाफट जाओ फॉलो मारो। मैं मिलता हूँ आपको सीधा अभी घर के वहाँ पे, ठीक है चलो ओके बाय। सो गाइज अभी वीडियो एंड करने का टाइम हो गया है, हम लोगों ने आज इतना कुछ खास ऑर्डर नहीं मारा है, जो भी अर्निंग हुई है मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। फटाफट चलते मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं आज हम लोगों ने कितना कमाया। सो गाइज अपनी एक ID में जो है 550 रुपये की अर्निंग हुई है, 3 ऑर्डर मारे थे हम लोगों ने, और दूसरी ID में 180 रुपया आपको स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा, तो दोनों मिला के
729 हो गया है, ठीक है। और अभी मैं बता देता हूँ, 729 स्पोटर का हुआ है दोनों भी आईडी का मिला के, और 200 का अपना पेट्रोल गया है। तो गाइस 17 दिन में 16,269 रुपये अपना सेव हो गया है। सो इतना कुछ ज़्यादा कुछ खास अर्निंग हुई नहीं अपनी, मतलब जो भी हुई है ठीक ठाक हुई है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देख लेंगे हम लोग अर्निंग का, जो भी एडजस्टमेंट रहेगा वो यहाँ वहाँ से हम लोग कर ही लेंगे जुगाड़। मतलब आज कम हुआ है तो कल ज़्यादा भी हो जाएगा। तो अभी करते हैं वीडियो को एंड। जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दिख रही है आपको, आई एम खान सलमान, वहाँ पे भी जाके फॉलो मार देना, ठीक है। रील्स वगैरह जो भी है शॉर्ट्स मैं वहाँ पे भी डालता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। अभी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, अंगारा फत आतंक मौज जहर जख्म जो भी लगे मेरा भाई, लाइक शेयर कमेंट करके बता देना। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन रहेगा रेड कलर का, उसको भी दबा देना। फिर मिलेंगे ऐसी किसी बहुत डासू वीडियो के साथ में। जब तक के लिए देखते रहिए FTC चैनल, और हाँ दुआ में याद रखना और मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। एंड ऑलवेज स्टे एक नंबर। और हाँ गाइज, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट, जो अनिल कपूर का जो वीडियो था अपना कल या परसों का वीडियो, वो यूट्यूब ने अपना रिमूव कर दिया है। रीज़न ये है कि मैंने उसमें कुछ गलत बोल दिया हूँ, तो मुझे अभी क्या थोड़ा संभाल के कुछ भी बोलना पड़ेगा यूट्यूब पे। एक एक बारीकी जो रहता है ना, वो भी चेकिंग हो रही है, तो जो भी मैं बोलूँगा अभी सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अपना वो वीडियो रिमूव हो गया है, उसका बैकअप अपने पास था नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग आगे जो है ध्यान रखेंगे जो भी रहेगा, है ना। चलता हूँ, मिलता हूँ फिर कल।